Now we will see a new topic that is about gender identity. So we will see gender identity in early childhood, how it matters. Gender identity and discrimination have an effect on girls right from birth. देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फौरन बाद ही वो बहुत तेजी से ऑब्जर्व करना शुरू करता है और बच्चे या बच्ची को बड़े किस तरह से हैंडल कर रहे हैं उसको शुरू से ही इसका एहसास हो जाता है ये हैरत अंगेज़ बात है कि उसको अपनी आइडेंटिटी कि एम आया गर्ल एम बॉय शुरू में उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेती है सो मोस्ट सिग्निफिकेंट जेंडर स्पेसिफिक राइट्स वायोलेशन एंड गैप्स यूजली अफेक्ट गर्ल्स एडोलसेंस एंड वेमेन तो अगर बच्चों में शुरू में ही कोई डिस्क्रिमिनेशन हो बॉयस के साथ से कुछ अलग कुछ भी अलग उनके साथ हो रहा हो तो वो उस एक दिन के लिए नहीं होगा बल्कि उसकी जवानी उसका बुढ़ापा उसकी सारी उम्र में वो चीज़ें रह जाएंगी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा कि वो कौन थी क्या थी और ये कि उसकी हैसियत क्या है सो वी हैव टू सी के फ्रॉम द बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे देखिए कुछ लड़की जब पैदा होती है तो कुछ लोग जो है वो उदास हो जाते हैं और उसको उस तरह से गर्म जोशी से रिसीव नहीं करते जबकि लड़कों को बड़ी गर्म जोशी से रिसीव किया जाता है तो वो जो पहले दिन को हाथ लगते हैं जिसमें मोहब्बत है या गर्म जोशी है शायद आप नहीं जानते लेकिन वो इसे पहचानते हैं सो अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड वन चिल्ड्रेन लर्न द जेंडर नॉर्म्स एचिट्यूड्स एंड कम्युनिटी एंड सोसाइटी बच्ची या बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो उनको यह एहसास दिलाया जाता है कि वो बेटी हैं या बेटा है बेटियां क्या करती हैं बेटे क्या करते हैं बेटे रोते नहीं हैं बेटियों को नहीं कहा जाता कि बेटियां रोती नहीं हैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर उसको बताया जाता है कि बेटी ने यह काम करना है बेटों ने यह करना है मेरा बेटा बाहर जाएगा वो कमाएगा वो अम्मी के लिए काम करेगा वो अबू के लिए करेगा लेकिन बेटियों को कहा जाता है कि बेटी एक सुगड़ बेटी बनेगी वो घर का काम करेगी फिर बहुत सी चीज़ों में हम खुद ही उनको एक डिमार्केशन दे देते हैं कि ये बेटियाँ कर सकती हैं और ये बेटियाँ नहीं कर सकती तो ये जो आप उनका शुरू से एक माइंडसेट बना रहे हैं जो उनके आप लाशूर और शूर के अंदर चीज़ें डाल रहे हैं इनसे वो कभी आज़ादी नहीं हासिल कर पाएंगी ये तमाम उम्र के लिए उनकी चीज़ें जो हैं वो उनके जहन में रह जाती हैं सो so gender discrimination causes women's low status, their poor and physical, mental health, and their limited opportunities to make choices for themselves and their children. आपका क्या ख्याल है सिर्फ बेटे को बेटा और बेटी को बेटी कह देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता है हर किसी के अपने रोल्स हैं हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि नेचर में बच्चियों के अपने रोल्स हैं बच्चों के अपने रोल हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते उनके बायोलॉजिकल बिल्ट को हम डिनय नहीं कर सकते लेकिन एक बात तय है कि हमने जो खुद से स्टीरियोटिपिकल डिस्टिशन्स या डिमार्केशंस बनाई हुई हैं उनको हमें इन छोटे बच्चों पे इम्पोज़ नहीं करना चाहिए तो अर्ली चाइल्डहुड जैसे हमने अर्ज़ किया फ्रॉम ज़ीरो टू एट इयर्स आठ साल की उम्र तक बच्चियां अच्छी तरह जान लेती हैं कि वो कौन हैं क्या हैं उन्हें क्या करना है ऐसी सूरत में अगर हमने उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दी या उनको बताया कि बेटियां ये नहीं कर सकती या बेटियों को तो सिर्फ ये करना है तो बड़े हो के ना वो खुल के उस तरह से अपने करियर का इंतखाब कर सकती हैं ना वो एक सेहतमंद शहरी बन सकती हैं वो एक नैरो डाउन हो जाती है उनकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और तो और उनकी लिविंग अपॉर्चुनिटीज़ वो भी आगे आपको मैं अगले आने वाले मॉड्यूल्स में बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगी कि जो एविडेंस बेस्ड हैं रिसर्च बेस्ड हैं दुनिया के अंदर पैंसठ ममालिक में चालीस ममालिक में जो प्लान एक रिसर्च है जिसको हम मुसलसल आगे देखने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है ऐसे बहुत से मुल्कों में जो रिसर्च की गई हैं जब बच्ची पैदा होती है तो आ, अभी सबसे पहले तो देखें ना मदर फीड उसका हक है उसका राइट है लेकिन बहुत से हमारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें बेटे की चाहत में नया बच्चा जन्म लेने की ख्वाहिश माँ की ज़्यादा होती है और ऐसी सूरत में वो जल्दी हमला होती है जल्दी प्रेग्नेंट होती है और वो जो बच्ची है उसकी सबसे पहले तो मदर फीड रेस्ट्रिक्टेड हो जाती तो ऐसे बहुत से सेवा हैं जिससे हम उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं उनके जैनविन जो उनका हकीकी राइट right है उससे सो वी हैव टू सी कि इसी से लो स्टेटस बनता है इसी से पुअर हेल्थ बनती है और वो फिजिकल भी होती है और मेंटल हेल्थ भी होती है सो वी हैव टू सी कि इस उम्र में जो अर्ली है अर्ली एज है उसमें उनकी आइडेंटिटी डेवलप होती है और यहीं पे हमें उन्हें एक सक्सेसफुल कंप्लीट आइडेंटिटी देना है